हिमाचल पदोन्नत प्रवक्ता संघ जिला मंडी के चुनाव राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल स्कूल सुंदरनगर में संपन्न हुए। इसमें कमल किशोर शर्मा को दूसरी बार मंडी जिला के प्रधान पद की कमान सर्वसम्मति से सौंपी गई। ये चुनाव प्रक्रिया प्रधानाचार्य रामचरण नारंग की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें संघ का महासचिव राजीव चंदेल को ही सर्वसम्मति के साथ बनाया गया। हिमाचल पदोन्नत प्रवक्ता संघ जिला मंडी के चुनाव राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल स्कूल सुंदरनगर में संपन्न हुए। इसमें कमल किशोर शर्मा को दूसरी बार मंडी जिला के प्रधान पद की कमान सर्वसहमति से सौंपी गई। ये चुनाव प्रक्रिया प्रधानाचार्य रामशरण नारंग की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें संघ का महासचिव राजीव चंदेल को भी सर्वसम्मति से बनाया गया, जिसमें चुनाव अधिकारी मनोज कुमार जिला प्रधान कुल्लू और उप प्रधान जीतराम ठाकुर के दिशा निर्देशों के तहत काफी लंबी जदोजहद के बाद प्रवक्ता के चुनावों की खींचातानी को लेकर सहमति प्रदान की गई और ये निर्णय लिया गया कि संघ के प्रधान और महासचिव आगे चुनावों की प्रक्रिया को पूरी करते हुए कार्यकारिणी का विस्तार जल्द ही करेंगे। सर्वसहमति से दूसरी बार जिला मंडी के प्रधान बने कमल किशोर शर्मा का कहना है कि मुख्य अध्यापकों की भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन करके 26 अप्रैल 2010 के बाद पदोन्नत स्कूल प्रवक्ताओं को मुख्य अध्यापकों के पदों पर पदोन्नति देने का अवसर प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि निरीक्षण खंड में जिला स्तर पर मुख्य अध्यापकों के पद शिक्षा में गुणवत्ता के लिए सृजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि टीजीटी वर्ग के शिक्षकों को पदोन्नति मुख्य अध्यापक से प्रधानाचार्य पद पर अवसर कम हो गए हैं। टीजीटी वर्ग के शिक्षकों की 26,000 संख्या को मद्देनजर रखते हुए मुख्य अध्यापक से प्रधानाचार्य पदों पर मुख्य अध्यापकों का पदोन्नति कोटा में कोई परिवर्तन ना किया जाए। उन्होंने कहा कि पदोन्नत प्रवक्ता संघ की लंबित मांगों को लेकर जल्द ही प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मिलेगा और जो विसंगति लंबे समय से चली आ रही है उसको दूर करने के लिए संघ बरसक प्रयास करेगा। हिमाचल प्रदेश पदोन्नत प्राध्यापक संघ जिला मंडी का प्रधान दूसरी बार बनने पर मैं संघ की मांगों को सरकार और विभाग के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारी सबसे पहली मांग 26 अप्रैल 2010 के बाद पदोन्नत प्रवक्ताओं को आरएनपी रूल में मुख्य अध्यापकों के आरएनपी रूल में संशोधन करके मुख्य अध्यापक बनाने के लिए विकल्प खोला जाए, ये हमारी पदोन्नत प्रवक्ता संघ की सबसे महत्वपूर्ण मांग है। हम जोरदार मांग करते हैं कि सरकार भर्ती एवं पदोन्नति नियम में संशोधन करके उन्हें बनाने की मांग करते हैं। साथ में दूसरी मांग इंस्पेक्शन विंग में मुख्य अध्यापकों के पद सृजित करने की मांग पदोन्नत प्रवक्ता संघ सरकार से करता है। और तीसरी मांग के तहत हमारे प्रधानाचार्य कोटे के लिए जो 50% मुख्य अध्यापकों का और 50% सीधी भर्ती प्रवक्ताओं का कोटा है, इसमें मुख्य अध्यापकों का कोटा बढ़ाने की मांग भी संघ करता है। अब इसमें वर्तमान में यदि बढ़ाया ना जा सके तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना किया जाए, ये मुख्य मांगें संघ की हमारी रहेंगी और अपेक्षा करते हैं कि सरकार इन मांगों की ओर ध्यान देगी।